हेलो फ्रेंड्स, द इंटेलिजेंट इंजीनियर में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं धवल अग्रवाल और आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सीखेंगे साइक्लॉइड। साइक्लॉइड सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बेसिस पे आपको एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, इन्फीरियर, सुपीरियर ट्रॉकॉइड, एपिट्रॉकॉइड, हाइपोट्रॉकॉइड, ये सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम सीखो, ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप आ जाएंगी। तो पहले साइक्लॉइड है क्या वो समझ लेते हैं। देखिए एनिमेशन, तो जिस तरह आपने एनिमेशन में देखा, ये एक सर्कल जो रोटेट हो रहा है उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका हम लोकस ट्रेस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसका पाथ। वो हमें ड्रॉ कैसे करना है, वो हो गया साइक्लॉइड। ठीक है, तो आओ देखते हैं साइक्लॉइड कैसे बनाना है। सो फॉर साइक्लॉइड लेट अस से दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल दैट वी ड्रॉ इज 60 mm और रेडियस इज 30 mm। नाउ इट इज गिवन दैट द सर्कल रोटेट्स ऑन द लाइन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन मीन्स फॉर 360 degrees, एंड इट डज दैट विदाउट स्लिपिंग। सो वी हैव टू ड्रॉ अ साइक्लॉइड व्हेन अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 mm मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर वन कंप्लीट रोटेशन दैट इज 360 degrees विदाउट स्लिपिंग। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 mm। लेट अस से द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज सी, एंड फ्रॉम दिस सेंटर we'll draw a vertical line। Now, अब ये मान लो कि सर्कल इस तरह से रोटेट होकर आगे जा रहा है। सर्कल रोटेट होते होते इस तरफ आगे जा रहा है, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में जब ये सर्कल पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, दैट इज नथिंग बट 2πr। सो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्कल इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा रोटेशन में डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 2πr। ओके, तो ये सर्कल एक कंप्लीट रोटेशन में 188.49 mm जितनी लेंथ कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सर्कल का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इतनी लंबी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस सर्कल को भी 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कैसे करेंगे? पहले सर्कल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इसके दो पार्ट्स और कर दो, और फिर 45 डिग्रीज की लाइन पे इसके नेक्स्ट टू पार्ट्स। अब हमें इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 188.49 या लेटेस्ट से 189 mm डिवाइड बाय 8, दैट विल बी इक्वल टू 23.5। तो हर बार 23.5 mm लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। व्हाट यू कैन डू इज स्केल के अंदर आप इस कंपास में 23.5 का डायमेंशन ले लो और उससे इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो हमने इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये सर्कल को भी 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इनका नंबर देना है। नंबर देने वक्त हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, सर्कल इस तरफ आगे बढ़ रहा है तो हम यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से 8 पार्ट्स कर दिए लाइन के। और ये सर्कल के 8 पार्ट्स करते समय, अभी ये सर्कल जीरो पे है, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो इस लाइन के साथ कांटेक्ट पे है वो ये है। अब जब सर्कल आगे बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट यहां टच करेगा, सर्कल और आगे बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट यहां टच करेगा। तो सर्कल में हम इस पॉइंट को नाम देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो अब हमको ये सर्कल में जो हमने 8 पार्ट्स किए हैं, हर एक पार्ट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन ये बेस लाइन से पैरेलल होंगी। इट मींस हम वी हैव टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस फ्रॉम ऑल दिस 8 पॉइंट्स ऑफ दिस सर्कल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो लाइन 7 से शुरू होगी वो लाइन पॉइंट नंबर 1 को टच करते हुए आगे जाएगी। इसी तरह पॉइंट नंबर 6 वाली लाइन सेंटर और पॉइंट नंबर 2 से होते हुए आगे जाएगी। इसी तरह पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 3 को कनेक्ट एक ही लाइन से किया जाएगा। और लास्टली पॉइंट नंबर 4 वाली लाइन को हम आगे लेके जाएंगे। ओके, ठीक है। अब जिस तरह हमने ये 0 से 8 इस लाइन को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसी तरह जो सेंटर से लाइन जा रही है उसे भी हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने जितना गैप 0 और 1 के बीच में रखा था उतना ही गैप ये इन पार्ट्स के बीच में रखा है। अब हमें क्या करना है, नाउ ऑल दिस पॉइंट्स को नंबर देना है। ये हो गया C0, ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और C8। ठीक है, अब हमें इस सर्कल के रेडियस जितना रेडियस लेना है, दैट इज रेडियस इक्वल टू 30 mm, और हर एक C पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करना है। जब हम C1 को सेंटर लेंगे तो 1 वाली लाइन पे आर्क ड्रॉ करेंगे, C1 सेंटर, और ये 1 नंबर की पॉइंट से जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर आर्क, C1 सेंटर, रेडियस हो गया सर्कल का रेडियस जितना, रेडियस 30, और आर्क ये 1 वाली लाइन पे। इसी तरह अब रेडियस सेंटर हो गया C2, रेडियस उतना ही है इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, और अब ये 2 वाली लाइन, मतलब जिस लाइन पे C2 है वही वाली लाइन, उस पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे और इनको साथ में नंबर देते जाएंगे। ये हो गया P1, ये हो गया P2, और जो पॉइंट हमारा 0 है वो P0। अब C3 से शुरू करके जो 3 वाली लाइन है उस पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे और उसका नाम हो जाएगा P3। इसी तरह C4 सेंटर, रेडियस 30, और आर्क ऑन द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 4 एग्जैक्टली उसके ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि रेडियस और वो लाइन का डिस्टेंस दोनों सेम है। अब जब हम C5 से 30 का रेडियस लेंगे तो इस बार लेफ्ट साइड की जगह हम राइट साइड पे आर्क लेंगे। अभी तक हम जितने भी आर्क ड्रॉ कर रहे थे वो सेंटर से लेफ्ट की साइड कर रहे थे। जब हम सेंटर पे पहुंच गए उसके बाद हम जो आर्क ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से राइट साइड करेंगे। तो C5 सेंटर, रेडियस 30, और ये 5 वाली लाइन पे इस तरफ आर्क आएगा। सिमिलरली C6 रेडियस, सेंटर सेम और 6 वाली लाइन पे आर्क, फिर C7 सेंटर, रेडियस सेम 30 mm और 7 वाली लाइन पे आर्क, लास्ट में C8 सेंटर, सेम रेडियस और इस पॉइंट पे आर्क, विच विल बी एक्सैक्टली द सेम पॉइंट। और अब हम इन सबको नंबर्स दे देते हैं, P5, P6, P7 और ये P8। ये हमारे 8 पॉइंट्स हो गए। अब इन 8ों पॉइंट्स को हम एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे एंड दैट विल बी अवर साइक्लॉइड। सो दिस इज योर साइक्लॉइड। व्हेन अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 mm रोटेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग फॉर वन कंप्लीट रोटेशन।